चलिए आज हम आपको हैदराबाद की गलियों में लिए चलते हैं। हम बनाएंगे आज वहाँ की फेमस रेसिपी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हम बनाएंगे वेजिटेरियन बिरयानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं शेफ मीरा रसोई स्वागत करती हूँ आपका व्यंजनदा कुकरी क्लासेस चैनल पर। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स: ऑयल, मटर, गोभी, दही। ये चावल है, चावल को मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उसे मैंने उबाला है। उबालते समय मैंने इसमें 2 चम्मच घी, नमक, नींबू और खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से यूज़ करे हैं। तेज पत्ता और ये है स्टार एनिस, जिसे हम पत्थर फूल भी बोलते हैं। लौंग, दालचीनी और ये छोटी इलायची। वाइट बटर है और ये अनियंस है जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन किया है। ये मुगलई कुजीन में ख़ास तौर पे यूज़ होती हैं। शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन्स, कैरेट्स, अदरक का पेस्ट, सॉल्ट, गरम मसाला, रेड चिलीज़, कैश्यूज और ये पनीर जिन्हें मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। जितनी वेजिटेबल्स आज हम यूज़ करेंगे उन्हें मैंने सॉल्ट डालकर हल्का सा ब्लांच करके रखा हुआ है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, देखिए अभी मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर हम डालेंगे वाइट बटर। इसको हम अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और मेल्ट होने की हम वेट करेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर। जिंजर को मैंने बारीक क्रश करके रखा हुआ है, इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने फ्लेम को हाई कर दिया, आप ये देख सकते हैं हल्का हाई है, ज़्यादा हाई नहीं करा है, हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कर्ड। हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, रेड चिलीज, सॉल्ट, इसे भी लगभग हम कुछ सेकंड तक कुक कर लेंगे। अब हम डालेंगे गरम मसाला, व्यंजन स्पेशल गरम मसाला है, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसको लगभग 1 मिनट तक कुक होने देंगे। ये देख रहे हैं आप, कर्ड हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने पीज़ ऐड करे हैं, इन्हें भी हल्का ब्लांच करके रखा हुआ है सारी सब्जियों को। आपको मेरे मेज़रमेंट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब कॉलीफ्लावर डाल दिया मैंने, इसमें अब डालेंगे हम फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम्स, कैरेट्स। अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे, देखिए मैंने फ्लेम हाई कर दी है। अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक कुक करेंगे। कुक करने के पीछे 2 रीज़न है, एक तो फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और दूसरा इसके अंदर सॉल्ट और स्पाइसेस इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। इसे ढककर लगभग हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है, देखिए ये बनकर तैयार है, कितना सुंदर कलर आया है इसका। आप देख सकते हैं पूरे तरह से मर्ज हो चुका है इसके अंदर कर्ड। अब हम इसे उतार लेंगे। हम गैस पर एक तवा रखेंगे, तवे को हम फुल फ्लेम पर हीट कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम दूसरा पैन जिसमें हम दम देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर राइस रखेंगे, राइस की एक लेयर लगा देंगे हम इसके अंदर। होल स्पाइसेस हैं उन्हें हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह दबा दबा कर हम इसकी लेयर लगा देंगे। हमने राइस की लेयर अच्छे से लगा दी है, अच्छे से इसे दबा भी दिया है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे, इसे भी इसी तरह फैला देंगे हम वेजिटेबल को। इसके जूसेस के साथ डाल देंगे। अब हमने जो अनियंस गोल्डन ब्राउन करके रखे हुए हैं उनकी एक लेयर लगा देंगे इसके अंदर।
अब दोबारा से हम राइस की लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हम इसकी सारी लेयर्स लगा देंगे। देखिए मैंने लेयर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अनियन से गार्निश कर देंगे। इसे थोड़े हम पनीर के पीसेस लगा देंगे इसमें, इन्हें भी अच्छे से प्रेस कर देंगे अंदर। थोड़े से हम फ्राइड कैश्यूज लगा देंगे। अब हम इसे क्लिंग शीट से अच्छे से बंद करके और इसे 10 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। इसे मैंने क्लिंग फिल्म लगाकर अच्छे से कवर कर दिया है और फ्लेम को मैं थोड़ा मीडियम हाई कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मीडियम हाई है ये फ्लेम। और क्लिंग शीट इसको बोलते हैं, ये प्लास्टिक की जो शीट आती है मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, ये होती है। इसे इस तरह से खोल के और इसे मैंने इस पर लगा दिया है। ये है इस तरह से पूरी खुल जाएगी। लगभग हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लगभग हम फिर से 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। लगभग इसे कुक करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। बनकर तैयार है हैदराबादी बिरयानी। अब आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।